हिमाचल की सुकून भरी वादियों में हलचल दिख रही है। हो भी क्यों ना, हर त्योहार को अलग अंदाज में मनाने वाले हिमाचल के लिए ये मौका महापर्व का है। ये पर्व लोकतंत्र का है, सियासत विसात और हर उलट फेर के बाद बारी है सरकार बनाने की। अब बाजी है जनता के हाथ में। स्याही के निशान से जनता 5 सालों के लिए अपनी तकदीर लिखती है, प्रदेश की नियति तय करती है। जिम्मेदारी जब बड़ी हो तो भागीदारी भी जरूरी हो जाती है, इसलिए हिमाचल की वादियों में कतार ही कतार दिखाई दी। बुजुर्ग, युवा, वयस्क और महिलाएं, हर वो वर्ग इस कतार का हिस्सा है जिसे संविधान ने सरकार चुनने का हक दिया है। मतदान से पहले तैयारियों का दौर लंबा चलता है। इस बीच जन जन को मतदान के लिए जागरूक करना प्रशासन की प्राथमिकता रहती है। अब जरा वोटिंग सेंटर्स का नजारा देखिए, जहाँ जागरूकता की पहल का असर साफ दिखा। एक वक्त ऐसा होता था कि महिलाओं की संख्या वोटिंग परसेंटेज में कम रहती थी, लेकिन अब माहौल बदलने लगा है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपने लिए अपनी पसंद की सरकार का चुनाव किया। बात जब वादियों की हो तो महिलाओं के लिए वोटिंग सेंटर तक पहुंचना आसान नहीं होता। रोजमर्रा के काम के बाद वोटिंग सेंटर की दूरी, रास्ते के सफर को लेकर दुविधा कई बार इरादों को कमजोर कर देती है। लेकिन इस बार ये तस्वीर बता रही है कि मतदान और सरकार के चुनाव के लिए महिलाओं का जोर पूरा है। महिलाओं को वोटिंग के लिए आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पिंक बूथ की भी व्यवस्था की, जहां तैनात अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं हैं। आयोग की इस पहल से भी महिला मतदाता उत्साहित हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी प्रदेश और देश के विकास में आधी आबादी यानी महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी का गवाह बन रही है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।